पीछे है, पीछे देखो जो भी घटनाक्रम हुआ था उसके संबंध में अब तक हमारी प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 13 पुलिस कर्मचारियों की एमएलआर में प्राप्त हो चुकी है। कुछ एमएलआर भी और आनी शेष है, और साथ ही जो किसान की तरफ से टोटल 15 किसानों को जो चोटें आई थी जिनकी हमें जानकारी मिली है कि उनकी एमएलआर कटी है। कुछ किसान नेताओं ने कल आह्वान किया था कि और किसान भाई आज पहुँचे और सिविल हॉस्पिटल में और एमएलआर कटवाएं, तो आज भी कुछ एमएलआर और कटनी अभी कट रही है और शाम तक हमें पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाएगी कि कितनी एमएलआर एक्चुअल में किसानों की तरफ से कटवाई जा चुकी है। जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए थे प्रशासन की तरफ से, जो बसारा टोल पे कुछ घायल हुए थे किसान, उनमें से ज़्यादातर डिस्चार्ज हो चुके हैं। गुर्जर नाम का व्यक्ति वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है जिसके नाक पे चोट लगी हुई थी। साथ ही कल जो भी घटनाक्रम हुआ था उसमें कानून की जितने भी प्रावधान हैं, सीआरपीसी के जो प्रावधान हैं बल प्रयोग करने के लिए, उसका समस्त का पालन किया गया। चाहे वो पहले पर्स्यूएट करना हो, उसके बाद में बार बार रिपीटेड वार्निंग दी जानी हो, उसके बाद में बल प्रयोग की जो भी सीमा है मतलब मिनिमम फोर्स यूज करना है। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी जी टी रोड पर जाम लगा रखा है या साइड से जो भी कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू किया था उसको रोका जाए, और वस्त्रा टोल प्लाजा से जी टी रोड का जो इलाका जो जाम कर रखा है जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा हो रही थी और साथ ही जो आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति भी बाधित होती है, लोगों को वहां से निष्पर्श कर दिया जाए। और जब एक बार सारे लोग निष्पर्श हो गए थे इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने लगातार खेतों की तरफ से पथराव करना जारी रखा था बार बार, और बार बार पुलिस ने फिर चेज करके उनको वापिस हटाया भी। साथ ही एक वीडियो आपने भी देखा होगा जो बार बार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ने कसी लेकर के भी पुलिस कर्मी को जान से मारने का प्रयास किया था। इस समस्त घटनाक्रम के बाद में शाम को फिर कुछ लोगों के आह्वान पर जीटी रोड फिर जाम किया गया जिससे लोगों को काफ़ी फिर असुविधा हुई। 3 घंटे के आसपास लगभग नेशनल हाईवे फिर जाम रहा। इसके बाद में हमने कानून कार्रवाई के तहत एक FIR जो दिन का घटनाक्रम था जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों पर हमला करने, नेशनल हाईवे को जाम करने और अनलॉफुल असेंबली के संबंध में दर्ज किया है मधुबन पुलिस स्टेशन में, जिसमें 27 नामजद आरोपी हैं और बाकी अन्य आरोपी हैं जिनका नाम FIR में नहीं लिखा गया है, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिसाइड होंगे। साथ ही शाम के समय नेशनल हाईवे को जाम करने के संबंध में भी एक FIR हमने मधुबन पुलिस स्टेशन में अलग से दर्ज की है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस दोनों मामले जो हैं इनकी ढंग से जाँच हो और मामला लॉजिकल कंक्लूजन तक जाए। हरियाणा सरकार के अन्य काफ़ी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी एक मीटिंग थी यहाँ पे, तो उस संदर्भ में जो व्यवस्थाएं की गई थी उनमें व्यवधान डालने के लिए कुछ लोगों की तरफ से इस तरह की बात आई थी और हमने उसको वस्त्र अड्डा टोल प्लाजा पे नाका लगा करके रोका है। उसमें हमारी तरफ से उन पर समुचित बल प्रयोग भी किया गया है। तो एक उसकी विस्तृत, क्योंकि इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, कई तरह की भ्रांतियाँ भी हैं, तो विस्तृत रूप से डिटेल रूप में इसके बारे में बताएं, इसलिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैं सबसे पहले इंसिडेंट से शुरू करना चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा मसला था कैसे शुरू हुआ, क्या इसमें चल रहा है। तो जो किसानों के धरने चल रहे हैं, तो हमारे ज़िले में बस्ताडा टोल प्लाजा पे परमानेंट प्रोटेस्ट साइट बनी हुई है। वहाँ पर हर रोज कुछ ज़िले के किसान इकट्ठे होकर के और अपना प्रोटेस्ट करते हैं। आमतौर पर पहले भी जब भी इस तरह की कोई उनको प्रोटेस्ट करने की, कोई VIP विजिट में करने की, प्रोटेस्ट करने की बात आती है या कोई भी प्रदर्शन करने की बात आती है, तो बस्ताडा टोल प्लाजा पे ही वो अपना जो रिजेंटमेंट है, जो प्रोटेस्ट है वो करते हैं। कल प्रेम प्लाजा में रेलवे रोड पे CM साहब का और अन्य माननीय मंत्रीगणों का और बाकी अन्य डिग्निटरीज का भी एक प्रोग्राम था। ये कार्यक्रम 11 बजे से 2 बजे तक लगभग रखा गया था और एक दिन पहले यानी परसों ही जिले के जो किसान मोर्चा है उसके पदाधिकारियों की तरफ से इसका विरोध करने का बयान हमारे पास आ गया था। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई सारे लोग जो है इकट्ठे होकर इसको प्रोटेस्ट करेंगे। तो उसी प्रकार से फिर हमने भी अपनी तैयारी कर ली थी, ड्यूटीज वगैरह लगा दी गई थी। परसों शाम तक लेट इवनिंग आते आते ये बात आई कि ये सारे लोग जो है कलंदरी गेट पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से पैदल पैदल जो प्रेम प्लाजा साइट है, जो प्रोग्राम की साइट थी, वहाँ तक आएंगे और वहाँ फिर जो है प्रोटेस्ट करेंगे। तो चूंकि पहले एक दो इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं जिसमें प्रोटेस्टर्स जब प्रोग्राम के बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो कई सारे शरारती तत्व जो उस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं उनके द्वारा पूरे के पूरे प्रोग्राम में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, तोड़फोड़ की जाती रही है।
इसलिए हमने डिसीजन लिया कि भाई जो हमारा मेन प्रोग्राम का वेन्यू है प्रोटेस्टर्स को उसके पास नहीं आने दिया जाएगा, और इसलिए हमने रात में ही कलंदरी गेट के आसपास अपने नाके वगैरह लगाए ताकि कम से कम लोग वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिर उन्होंने सुबह दोबारा से वीडियो जारी करके और सब लोगों को बस्ताड़ा टोल प्लाजा बुला लिया, जो कि शहर से 10-12 किलोमीटर दूर है, नेशनल हाईवे।